तो भाई लोग, टोक्यो रिवेंज इस एनिमे की हाइप तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप एनिमे देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं ये नाम तो सुना ही होगा, टोक्यो रिवेंजर्स, पावर रेंजर्स। वैसे मैंने भी कहीं ना कहीं इसका नाम तो सुना ही था, पर देखने के लिए वक्त नहीं मिल रहा था। आखिरकार मुझे वक्त मिला और मैंने इसके तीनों के तीनों सीजन देख डाले। अब इसकी हाइप डिज़र्व करती है या फिर ओवर हाइप है ये शो? तो सबसे पहले, आपने अगर ये शो नहीं देखा तो मैं इसका आपको एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये लड़का टाकेमिची हानागाकी, ऑब्वियसली हर एनिमे में 95% मेन प्रोटैगनिस्ट चोमू ही होते हैं शुरुआत से। वैसे इस कैरेक्टर भी एक नंबर का चोमू ही है, वैसा ही समझो। पर इसके साथ कांड क्या होता है, ये 26 साल का है और इसकी गर्लफ्रेंड मरी थी 12 साल पहले। तो इसको अचानक से पता चलता है कि मैं खुद एक टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ, एक दिन पीछे ना एक दिन आगे, करेक्ट 12 साल। तो फिर ये बंदा क्या करता है, निकल पड़ता है अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए। इसकी गर्लफ्रेंड जिस कारण से मरी थी उसकी वजह से हर एक प्लान बनाता है, हर एक पॉसिबिलिटीज देखता है कैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बचाऊँ कैसे। पर इसमें एक फॉल्ट है, ये कॉमन सेंस यूज़ नहीं करता। दुनिया भर का दिमाग लगाएगा फिर कॉमन सेंस यूज़ नहीं करेगा। पर इस कैरेक्टर की एक ऐसी बात है जो कि मुझे पर्सनली पसंद आई, सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी एनिमे देखे उसमें मेन प्रोटैगनिस्ट शुरुआत में चोमू होता है, पर बाद में किसी एक सीरियस कंडीशन में, सीरियस सिचुएशन में उसके अंदर कैसे भी पावर्स आ जाती है और एंटागोनिस्ट को डिफीट कर देता है अदरवाइज एनिमे में। पर इसमें वैसा नहीं है भाई, ये शुरुआत के जो भी सीन देखोगे इसमें आप, उसमें ये मार खाता है। और तीसरे सीजन का आखिरी एपिसोड देखोगे उसमें भी ये मार ही खाता है। बस इस सीज़न में दो ही बातें मुझे पसंद नहीं आई, पहली टाइम ट्रेवल का एक्सप्लेनेशन, शेक हैंड करो हो गया टाइम ट्रेवल, हाथ से हाथ मिलाओ हो गया टाइम ट्रेवल। सेकेंड बात, तीन सीजन में एक स्ट्रक्चर कॉमन है, पहले सीजन में एक गैंग, सेकेंड सीजन में वही और एक गैंग, थर्ड में भी वही होता है हाल, अलग ही गैंग, वो स्ट्रक्चर रिपीट होता है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पर मैंने इस सीरीज के तीनों सीजन देखे सिर्फ एक ही कारणवश, माइकी, वो बंदा पसंद आया था, बाकी कुछ भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा।